दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम सीधे और सहज तरीके से किसी रेखाखंड के लंबसम द्विभाजक की रचना के बारे में सीखेंगे। तो चलिए एक रेखाखंड AB लेते हैं। अब हम प्रकार यानी कंपस को इस रेखाखंड के किसी भी एक छोर के बिंदु, मान लीजिए बिंदु A पर रखते हैं। अब हम रेखाखंड के आधे से ज्यादा दूरी का माप लेकर एक चाप ऊपर तथा एक चाप नीचे मारेंगे। अब इसी प्रक्रिया को बिना माप बदले बिंदु B से दोहराएंगे। अब दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को चिन्हित करेंगे और उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींचेंगे। चलिए इसे रेखा L कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि रेखा L रेखाखंड AB को बिंदु M से लंबसम द्विभाजित करती है। इस प्रकार रेखाखंड AM सर्वांगसम होगा रेखाखंड BM के। तो दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी रेखाखंड के लंबसम द्विभाजक की रचना कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।